अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैं आपके लिए एक ड्रेस डिज़ाइनिंग का आइडिया लेके आई हूँ। ये मेरे पास कुछ पीस बचे थे, शर्ट का पीस है ये वाला, ये चेक वाली ऑर्गेंजा है, मैंने यही से ली थी। एक ज़ैनब की कमीज़ बनी है और उसमें से कपड़ा काफ़ी बच गया, एक मैंने अब अपनी बनाई है। तो ये इसके साथ हमने कुछ प्लेन ऑर्गेंजा लिया है, ये दोनों बचे हुए पीस थे। और ये भी एक मेरी कस्टमर थी, उनकी मैंने ड्रेस बनाई थी तो ये वाले पैचेस बचे थे, तो इनको फिर मैंने काविये से कट कर लिया और जो साइड में से उनकी कटिंग निकली थी उसमें से ये वाले सारे बंचेस से फ्लावर से निकले थे, इनको मैंने कुछ इस तरीके से कट करके ये देखिए कर लिए। ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं तो इनको मैं इस कमीज़ पे अटैच करके फिर आप लोगों को इस सूट का पूरा रिव्यू दूँगी और फिर डिटेल बताऊँगी, क्योंकि इसको मैं अगर इसको पहले मैं ग्लू से पेस्ट करूँगी, शर्ट की कटिंग करके ग्लू से इसको पेस्ट करके तो फिर सिलाई करूँगी। तो चल, तो एक बात और मैं बताना चाह रही थी कि ये नेट पे बनी हुई है सारी, ये नीचे बड़ी फाइन क्वालिटी की नेट है और ऊपर ये डोरी के साथ सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये नेट खुली नेट इंग्लिश नेट मिलती है, काफ़ी उसका काफ़ी बड़ा होता है बार उसका, तो उससे फिर मैंने ये सारे निकाल लिए वेस्ट, जो छोटे छोटे कटिंग के पीस निकले, कंधे में से निकले, साइडों से निकले, ऊपर नीचे से, उसको मैंने ड्रेस बनाया तो नीचे से गुलाई जो निकली उसका, वो मैंने कोई भी इतना सा फ्लावर भी मैंने उसका ज़ाया नहीं किया लाइक दिस। सबको मैंने रखा हुआ था काफ़ी अच्छे से, फिर मैंने इनको अब कट किया कि चले मैं अपनी ड्रेस एक रेडी करती हूँ। तो फिर मैं इसमें इस सूट का एक सरप्राइज़ है, वो फिर हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं अपने उसी पे पहनूं। तो देखें फिर, ये वाला हमने ना ईबे से लिया था, 8 पाउंड यार्ड के हिसाब से लिया था, बहुत ही फाइन क्वालिटी है ईबे से, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन भी हम हर तरह की फैब्रिक खरीद सकते हैं। हो सकता है मार्केट में तो जो 20-25 पाउंड यार्ड के हिसाब से है, तकरीबन 20 तो है ही ना, ऑनलाइन देखिए कितना अच्छा मिल गया। और ये वाला प्लेन भी हमने ईबे से ही लिया, ये 5 पाउंड यार्ड था, ये मैंने हाफ यार्ड लिया और ये हमने 2 यार्ड लिया था, 2 यार्ड से हमारे 2 खुली खुली कमीज़ें बनी हैं, ये हाफ यार्ड लिया हमने 2.50 पेंस का हाफ यार्ड बना, 5 पाउंड यार्ड है ना, हाँ, हाफ यार्ड लिया ना, 5 पाउंड यार्ड है। तो इस तरह से मैं बताना चाह रही थी कि देखें ये कितनी फाइन क्वालिटी का ऑर्गेंजा, जिस तरह मर्जी इसके इस पर अगर पाकिस्तान ले जाके भी कढ़ाई करें तो बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है। ये वैसे कोई भी ले लें ऑर्गेंजा के कपड़े तो वो कैसे छिज जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ये वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने कटिंग कर ली है बाजुओं की, शर्ट की भी कर ली है और ये लेसेस जो थी ये भी मैंने कट करके अलग अलग कर ली है, ये वो मैंने लगा दिया, पेस्ट कर दिया, ये देखें। अब मैं इसको इसी तरह मशीन के अंदर रखूँगी और इसको एम्ब्रॉयडरी के साथ जोड़ दूँगी। और ये वाली होती है स्विंग टाइम फैब्रिक ग्लू, फौरन ही हो जाती है ड्राई। इसको हमने बहुत थोड़ी अमाउंट में लेके इस तरह इस तरह हल्का हल्का सा इसको लगा के जिस जगह पे हमारा निशान है वहाँ हमने इसको रख देना, तो हल्के हाथ से यूँ थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर देना। सेकंड फिर हमने ये एक और मोटिव है, इसको इसी तरह बहुत थोड़ी अमाउंट लेनी है, ये बस हमने एक टिकाना ही होता है ना उसको कि टिक जाए वो, जब हम उसको एम्ब्रॉयडरी के साथ जोड़े तो वो अपनी जगह से हिले नहीं। मैं ये नीचे फ्लोर पे इसलिए बैठी हूँ कि इसको क्लीन करना इजी है, टेबल या किसी और जगह पे आप बैठेंगे तो फिर इसको जोड़ना अगर थोड़ा सा लग भी जाए, ये देखें इस तरह ये स्टिक हो गया। और ये देखिए नीचे, तो देखिए व्यूअर्स ये मेरे घेरे का दामन है, बाजू हमने प्लेन बनाए हैं और शर्ट का फ्रंट और बैक, फ्रंट वाला हाफ जो है 1/3 मैंने ये प्लेन लगाया और उसके ऊपर ये वाले मोटिव्स लगाए हैं, इनकी मैं इस तरह से सेटिंग की है। और जो वो बाजुओं वाली लेस थोड़ी बच गई थी
उतना ही लंबाई एक और पीस था उसको, और बाकी छोटे पीसेस को मैंने अटैच करके इसके साथ लगा दिए। अब ग्लू ड्राई होगी तो इसको फिर मैं मुकम्मल आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा है। तो बाजुओं के अंदर थोड़ी सी मैं इसी कपड़े की डिज़ाइनिंग करूंगी और गले पे भी कुछ करूंगी। ये एक मोटिफ बच गया है हमारा, इसको मेरा ख्याल है कि मैं गले पे किसी तरीके से अटैच करूँ। सीधा नहीं रखा गया वो, जब मैं करूंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बाजू का मैं ये बताना चाह रही थी कि मशीन पे सामने समझ नहीं लगती है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि ये हमारा बाजू था और ये आगे लैस अटैच करनी थी, और इसके अंदर मैं चेक वाला कपड़ा थोड़ा लगाऊंगी इस तरह से। मैं आप लोगों को रख के बता देती हूँ कैसे है। ये वाला पार्ट नजर आएगा, सिर्फ ये वाला, ये देखिए थोड़ी सी मेहनत से कितना खूबसूरत एक डिजाइन बन गया। नीचे को तो जरा बेटा जूम करो इसको, ये देखिए ये जब मैं अटैच करूंगी तो इसको मैं फोल्ड करूंगी, लेस को भी इधर से फोल्ड करूंगी। ये वही वाला चेक, हमें फिर मजीद इसके अंदर कुछ और डिजाइनिंग करके प्लेन कपड़ा नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये थी हमारी पूरी लुक रेडी होके, तो फिर मैं इसको आपके साथ शेयर करूंगी कि ये हमारा सूट कैसा लगा बनके। ओके फिर अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इसको मुकम्मल रेडी करके। ओके तो व्यूअर्स, सूट हमारा बनके रेडी हो गया जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखे कुछ यूं, ये जो मैंने बाजू रेडी किया था ये एम्ब्रॉयडरी इस पर मैंने लगाई थी, वो तो मैंने आपको सारा बताया था कि ये किस तरह थे। तो देखिए बल्कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से मैंने इनकी सेटिंग की, जो पीस रह गए थे वो मैंने गले में लगाए हैं, लैस के जो पीस बचे थे ना फ्रंट वाली लैस से थोड़ा सा हाफ करके मैंने इधर लगा दिया, हाफ इधर, और नीचे वो एक बंचिस को मैंने इस तरीके से, जरा नीचे करो ज़रा, इस तरीके से मैंने इसको लगाया है बंच को कि वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये गले का हिस्सा नहीं है। और ये एक फ्लावर लगाया और एक और छोटा नीचे बचा था उसको लगाया, और देखिए हमारा गला बन के कितना खूबसूरत तैयार हो गया है। यही वाली लैस थी ना जो बची थी, एक पीस इसमें से बचा था, एक उसमें से बचा था, एक इधर लगा दे, एक और छोटी सी एक मैंने इसके अंदर लैस दे दी। हाफ मैंने इसका फ्रंट जो था मैंने इस तरह रखा, और हाफ पे मैंने इसके लाइनिंग नहीं लगाई। तो ये था लेस वाला पीस, ये एक बंच था, ये भी एक टहनी सी थी, ये भी एक टहनी थी, और एक भी बंच था। ये देखिए ये मैंने किस तरह इसके ऊपर इसको एडजस्ट किया है, ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, ये खुद से छोटे छोटे पीसों को मैंने एडजस्ट किया है। और ये देखें इसका मैंने यूँ रखा ना कि आजकल अच्छा लग रहा है, नीचे मैंने ऑर्गेन्जा लगाया है सी थ्रू, लॉन्ग शर्ट रखी है मैंने, ये काफ़ी लॉन्ग है मेरी, तो नीचे मैंने इसके सेम कलर का ही पलटा दिया, और कलर का नहीं दिया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगना था, ट्राउज़र के साथ का ही दिया है कपड़े का, और बैक साइड भी इसकी प्लेन है। और इधर मैंने समोसा वर्क कर दिया, मैं उठा के दिखाती हूँ, ये देख पर बाजू कुछ यूं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये जो पट्टी थी एक तरह हमारी लंबाई पूरी हो गई और एक ये डिजाइन बन गया। और ये मेरा सना सफीनाज का एक सूट था लॉन का, काफी देर हो गई इसको, तो लॉन के सूट की तो इतनी उम्र नहीं होती, एक सीजन ही चलता है बढ़िया, तो सीजन ले जाओ। तो ये बड़ी फाइन क्वालिटी की सिल्क थी, ये दुपट्टा मेरा वैसे ही पड़ा था। देखें ये इसके साथ कितना अच्छा मेरा सूट बन गया है, मेरे अच्छे भले पैसे बच गए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये मैंने किसके लिए तैयार किया है। तो ये इसकी ट्राउज़र है साथ सिंपल, वही सिंपल, आपको याद होगा जब हम साग लेने गए थे तब मैं ये ट्राउज़र का कपड़ा लेके आई थी, दो ट्राउज़रों का, उसमें से एक वाला ये है, और ये इसकी फ्रंट है। पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह सून बहुत जल्द
अपलोड करेंगे, फिर आप देखिएगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको मेरी ये कटिंग, स्टिचिंग और इस सूट की कंप्लीशन आपको अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। चले फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।